रेसिपीज मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोल छिलके वाली उड़द दाल ली है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको भिगो के रख देंगे। एक डेढ़ घंटे के लिए मैंने भिगोई है इसको। जब इसमें से दो टुकड़े होने लग जाए तब हम इसको ले लेंगे और ग्राइंड कर देंगे। तब तक हम इसको वॉश करके भिगो देते हैं। अब ये देखिए, अच्छी तरह से ये भीग गई है। डेढ़ घंटा हो गया है इसे। अब इसको जार में डाल देते हैं और इसे हमें ग्राइंड करना है। ये देखिए, आधे छिलके इसमें से निकल भी जाते हैं जब हम इसको वॉश करते हैं और आधे इसमें रह जाते हैं। ये देखिए, दो टुकड़े हो रहे हैं। अब हमने इसकी पेस्ट बनाई है, दरदरी पेस्ट बनी है। जब हम इसे ग्राइंड करते हैं थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डालिए और इसे अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। अब हम इसमें पहले मसाले डालेंगे, उसके बाद में इसको लगातार 5 मिनट के लिए इस तरह से फेंटने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 4 हरी मिर्च की पेस्ट डाली है, इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था। 1 चम्मच क्रश की हुई सौंफ डाली है। अब इसमें हम तिल डाल देंगे, सफ़ेद तिल डालें 1 चम्मच, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, हींग डाली है, जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इस तरह से इसको हिलाते रहना है, 5 मिनट लगातार आपको हिलाना है। देखिएगा कितना ज़्यादा हो जाता है ये बैटर और एकदम लाइट भी हो जाता है, ये देखिए। अभी हमें और हिलाना है इसे। इसमें हम नमक डाल देते हैं 1 चम्मच और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। फिर इसे हिलाते रहेंगे। तो हिलाते हिलाते ये देखिए पूरा भर गया है। ऑयल गरम करेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इस तरह से डालेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऑयल में डाल रहे हैं ये ऊपर ही रह रहे हैं और ऊपर ही ये तैर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ये सॉफ्ट बने हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो ऑयल में इस तरह से एक बार डाल के देख लीजिए। ऑयल को एकदम हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, नहीं तो ये अंदर से पकेंगे नहीं और बाहर से ज़्यादा रेड हो जाएंगे। तो ये देखिए, आधे तो काफ़ी ऐसे अपने आप टर्न ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बने थे, एकदम गोल भी बने हैं। इसमें हमने कोई सोडा नहीं डाला है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से आपको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से हो जाएंगे तब हम इनको निकाल देंगे। ये देखिए, बिना सोड़े के बने हैं। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि उड़द दाल को हमें अच्छे से फेंट देना है पहले। तो 5 मिनट जो आपने मेहनत की है उसका ये रिज़ल्ट है। ये देखिए कितने गोल गोल हो गए हैं। अभी और बन रहे हैं 4-5। तो 3-4 बैच में मुझे ये फ्राई करने पड़े हैं। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितने लाइट वेट होंगे कि इतने सारे बन गए हैं। सिर्फ एक बोल उड़द दाल ली है हमने, इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। ये देखिए अंदर से भी एकदम आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें।